तो यहाँ पहुंच गए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रात के समय। आ जा रहा हूँ मैं, पहली बार ट्रेन ले रहा हूँ 7 सालों में, और भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एक घंटे में मेरी गाड़ी है, देखते हैं। ये देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बहुत स्मेल चल रही है यहाँ पे। नंबर 15 पे जाना है मेरे को, 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए कहाँ से मिलता है मेरे को। ये जो है प्लेटफॉर्म, पुराने दिन ताज़ा हो गए, यादें ताज़ा हो गई, ऐसा दिखता है भाई। और बिल्कुल सेंटर में जो है खाने की दुकानें, फूड स्टॉल्स हैं। पहले यहाँ पर जो है किताबों की दुकानें वगैरह भी होती थी, क्योंकि खैर मैं मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ तो यहाँ पे शायद नहीं है। बट जिस और ये AC आने शुरू हो गए, पहले के मुकाबले तो कहा कि प्लेटफॉर्म्स काफ़ी साफ़ हैं और बिन्स वगैरह भी काफ़ी दिखते हैं। तो समथिंग विच हैज़ हैपन्ड गुड, रियली हार्डनिंग टू सी दैट, रियली नाइस। अभी मैं अपने कोच के तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। और जैसे मैं आपको कह रहा था, अरे कितने लोग पढ़ते होंगे। जीवन का कूपे, नॉट बैड फॉर द प्राइस यू पे, ओवरनाइट जर्नी, स्लीप वेल, ट्रेवल वेल, एंड दिस इज़ हाउ द कॉरिडोर लुक्स लाइक, प्रिटी नीट आई मस्ट से, सो फार सो गुड। आई थिंक जो प्राइस आपने भैया है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल सॉकेट ऊपर है, बिन भी दे रखा है, पर्सनल बिन, कर्टन लगे हुए हैं, धुले हुए भी हैं जिससे मैंने पर दिखाया, बेडिंग भी दे रखी है उन्होंने। और यहाँ से देखें द्वारा क्या है, मैं दिख रहा हूँ आपको, यहाँ से तो कुछ और दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे एक पोस्टर लगा है सफाई कार्य वितरण हेतु। Found this man size mirror. ट्रेन चल पड़ी है नई दिल्ली स्टेशन छोड़ते हुए। स्टेशन आ चुका है, क्योंकि हमारा कोच सबसे आगे है, सबसे पीछे है, तो इसलिए जो है ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म का एंड है। आई थिंक गाड़ी काफ़ी कम टाइम रुकी है, इससे लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। सुबह के 4 बजे में और इतने लोगों का हुजूम महाराज जी को रिसीव करने के लिए।
because this is the place where I grew up. Strange feeling to come back here.